चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में जुडिशियल कमीशन का इजलास सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जा रहा है। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया, सुहेल अपडेट कीजिए। देखिए आज ये दूसरा इजलास है सिंध हाई कोर्ट में जो बेंच के जजेस की तैनाती के सिलसिले में। पहला जब इजलास हुआ था तो उसमें यह तय किया गया था कि 25 नवंबर तक तमाम सिंध हाईकोर्ट के जजेस को आईनी बेंच के जज जैसे इख्तियार हासिल होंगे, लेकिन आज चूंकि उसकी मुदत खत्म हो चुकी है इसलिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास दोबारा हो रहा है और आज सिंध हाईकोर्ट के अंदर आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर किया जा रहा है। मुख्तलिफ तजावीज जो है वो इसमें सामने रखी जाएंगी। चीफ जस्टिस की जर सदारत इस इजलास में जस्टिस मंसूर इरशाद, जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल है, जबकि हुकूमत और अपोजिशन के अरकान भी इस वक्त उसमें कमीशन में शरीक है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत तश्कील दिया गया था। अब से थोड़ी देर बाद इसका एलानिया भी जारी होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका।